हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप डिजिस्टोर 24 का यूज़ करके कैसे आप यूट्यूब के ऊपर एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, वो भी बिना किसी वीडियो को बनाए हुए। एक नया तो कुछ आपको कोई क्रिएट करना है वीडियो, कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कहीं से आपको वीडियो उठाना है, उसको एडिट करके यहाँ पे अपलोड करना है और आप जो है अच्छी खासी आप इनकम जनरेट कर सकते हो। बस दूसरा इसका भी क्या फ़ायदा है यूट्यूब के ऊपर एफिलिएट मार्केटिंग करने का डिजिस्टोर 24 का, आपकी जो एफिलिएट अर्निंग है वो तो होगी ही होगी, लेकिन साथ में यूट्यूब से भी आपकी अर्निंग चालू हो जाएगी। यानी कि आपकी इनकम जो है वो ऑटोमेटिक मोड के ऊपर चली जाएगी, ठीक है। यूट्यूब से भी इनकम आपकी चालू हो जाएगी, प्लस डिजिस्टोर 24 का जो एफिलिएट मार्केटिंग आपका चालू है वहाँ से भी आपकी इनकम जो है वो चालू ही रहेगी, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बता देता हूँ कुछ एक दो चैनल्स के। यहाँ पे अभी हम चलते हैं यूट्यूब के अंदर। यूट्यूब के अंदर हम टाइप कर लेते हैं डॉग शॉर्ट्स करके, ठीक है। आपको तो पता ही होगा अभी शॉर्ट्स जो है कितने ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। अगर किसी भी यूट्यूब चैनल की जो है अगर रीच बढ़ानी है तो अभी क्या है, आपको सिर्फ उसके अंदर नए नए शॉर्ट्स अपलोड करने रहते हैं अपनी नीच के हिसाब से। मान लो कि कोई किसी भी प्रकार की आपकी चैनल हो तो उसके रिलेटेड आप अगर शॉर्ट्स जो है उसमें अपलोड करते हो तो आपकी चैनल की रीच जो है वो काफ़ी ज़्यादा। वीडियो को यहाँ पे जो है वो क्लिक कर लेता हूँ और देखिए अभी 2 या तो 3 महीने पहले ये वीडियो अपलोड किया हुआ है और उसके व्यू देखने देखिए कितनी इसकी रीच बढ़ चुके हैं और इस चैनल के सब्सक्राइबर भी आप देख सकते हो। देखो देखो यहाँ पे, ठीक है। और अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अगर आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारी जो है लिंक्स में देखने को मिल जाएगी जो कि सारी की सारी एफिलिएट लिंक्स है, ठीक है। आप देख पा रहे, देखो यहाँ पे फिलहाल अमेजोन की है, लेकिन आप अगर जिस भी मान लो कि एफिलिएट नेटवर्क का प्रोडक्ट आप प्रमोट कर रहे हो उसकी लिंक आप यहाँ पे डाल सकते हो। दूसरा आपको एग्जाम्पल दिखाता था वो यहाँ पे इसी चैनल को जो है अभी मैं सोशल ब्लेड के अंदर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और देखो शॉर्ट्स की वजह से इस चैनल को जो है कितना ग्रोअप हुआ है वो यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है। उसकी व्यू वीडियो के व्यूज़ देखो बढ़ते जा रहे हैं, उसके जैसे सब्सक्राइबर जो है वो भी इसके बढ़ते जा रहे हैं और व्यूज़ भी बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि मान सकते हो आप कि अगर चैनल की जो है अगर रीच बढ़ती है कहीं पे भी तो विजिटर बढ़ते हो तो सब्सक्राइबर भी ऑलरेडी बढ़ने वाले ही है इसमें, ठीक है। तो यूट्यूब से तो आप अच्छी खासी इनकम कर ही लोगे, साथ में आपकी एफिलिएट मार्केटिंग की भी इनकम जो है चालू हो जाएगी। और अगर दूसरी जो है अगर चैनल की बात करूँ तो यहाँ पे देखो दूसरा चैनल का भी मैंने ओपन करके रखा हुआ है, काफ़ी सारे शॉर्ट्स जो है इसी ये बंदा भी अपलोड कर रहा है, ठीक है। देखो 19 सेकंड, 13 सेकंड, 7 सेकंड और व्यूज़ कितने आ रहे हैं, एक एक दो दो दिन के 2000 के करीब करीब जो है इसके व्यूज़ मिल रहे हैं इसको, ठीक है। देखो यहाँ पे 10,000 व्यू, 1,000, 2,000, यानी कि इतनी इसकी एवरेज रहती है। और कोई भी वीडियो भी रैंडम हम जो है लास्ट वाला ही फिलहाल ओपन कर लेते हैं इसमें, एक दिन पहले से पहले जो इसने अपलोड किया वो यहाँ पे, ठीक है। तो अभी इसके भी हम डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे जाएंगे, फिलहाल वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ। शो मोर के अंदर अभी गए, देखो तो यहाँ पे क्या है, उसने लिंक डाली हुई है, ठीक है। देखो लिंक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए, सब्सक्राइबर भी लिंक है, यहाँ पे कैट प्रोडक्ट है उसकी भी लिंक यहाँ पे दी गई है। तो आपको क्या करना है कि आप जिस भी नीच के रिलेटेड आप अपने शॉर्ट्स डाल रहे हो, मान लो कि अगर आप चाहे हो तो क्या है बॉडी बिल्डिंग के रिलेटेड, या तो वेट लॉस वेट गेन करने के लिए, या तो फिर आप मान लो कि कोई पेट्स के रिलेटेड आप जो है वो शॉर्ट्स अपलोड किया जा रहे हो, ठीक है। तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे उसकी जो है प्रोडक्ट की लिंक्स डाल देनी है। मान लो कि अगर उसके 1 लाख व्यूज़ हो जाते हैं तो 1 लाख में से मान लो कि 1,000 लोगों ने भी जो है उसका डिस्क्रिप्शन उसमें पढ़ा और उसमें से मान लो कि आपकी 3-4 सेल भी हो जाती है तो भी आपका तो काम बन जाएगा, प्लस व्यूज़ तो आपको मिल ही रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस चैनल को भी जो है हम यहाँ पे फिलहाल एनालाइज कर लेते हैं सोशल मीडिया में जाके। देखो यहाँ पे वीडियो के व्यूज़ कितने मिल रहे हैं, यहाँ पे 60,000, 70,000, 87,000, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसकी जो है चैनल की एस्टिमेटेड अर्निंग भी जो है अच्छी खासी इससे हो रही है, यानी कि ये अर्निंग तो इससे हो ही रही है, प्लस एफिलिएट मार्केटिंग करके भी जो है ये बंदा कमा रहा है इससे, ठीक है। तो आपको क्या करना है अभी वो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे डिजिस्टोर 24 में अभी हम फिलहाल चले जाते हैं, ठीक है। अभी ये हमारा जो है वो एफिलिएट नेटवर्क अभी है डिजिस्टोर 24 में। यहाँ पे हम जो है प्रोडक्ट, यहाँ पे काफ़ी सारी आपको कैटेगरीज देखने को मिल जाएगी। तो कैटेगरीज में क्या करते हैं, अभी हम जो फिलहाल एनिमल एंड पेट्स का ही ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ, बाकी आप अपने नीच के हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे चूज कर सकते हो। गए यहाँ पे तो ट्रेनिंग टेक्निक्स है, देखो यहाँ पे ये रहा डॉग ट्रेनिंग टेक्निक्स, ओके। तो इसको फिलहाल आपको क्या करना है, प्रमोट नाउ के ऑप्शन के ऊपर अभी मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ इसके। हाँ साइन अप करने का आ गया, अभी ऑलरेडी मेरा जो है लॉग आउट हो गया है। तो आप जैसे ही प्रमोट नाउ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ से जो है लिंक और कॉपी करनी है, यहाँ से इसका प्रोडक्ट का नाम आपको कॉपी कर लेना है और इसने जो बंदे ने यहाँ पे जो किया है, ठीक है, देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे कि ये जो है मतलब जो भी जिस भी प्रोडक्ट हो, मान लो कि आप जो है डॉग ट्रेनिंग की आपकी आपका प्रोडक्ट है तो यहाँ पे आप भाई ऐसा लिख सकते हो कि भाई ट्रेन योर डॉग और यहाँ पे नीचे जो है आपको उसकी लिंक दे देनी है, ठीक है। अभी सवाल ये है कि मान लो कि आपने चैनल तो क्रिएट कर ली,
अगर चैनल क्रिएट करने के बाद आप कंटेंट कहाँ से लाओगे, तो कंटेंट के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल फ्री में कंटेंट आपको मिल जाएगा, अनलिमिटेड कंटेंट वहाँ पे जो है अवेलेबल होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फ्री स्टॉक वीडियोज़ की जो है दो साइट्स अवेलेबल है, आप यहाँ पे आपको गूगल में टाइप करने कर लेना है पिक्सल्स, पिक्सल्स के ऊपर भी जा सकते हैं, या तो फिर पिक्साबे करके दूसरा भी, ये दूसरी भी एक साइट है उन्हीं की, तो वहाँ पे भी जो है आप जा सकते हैं, ठीक है। वीडियोस में जाएंगे और यहाँ पे जाके आपको सर्च कर देना है। अभी फिलहाल मैं आपको जैसे कि बता देता हूँ, यहाँ पे गए हम डॉग्स, सिर्फ डॉग्स ही लिखते थे, ठीक है, डॉग लिखते थे फिलहाल। तो काफ़ी सारे देखो अभी यहाँ पे आपको, यहाँ पे वीडियो आपको मिल जाएंगे, फ्री कंटेंट है, यहाँ पे आप उठा सकते हो और यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हो, इसके ऊपर कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा। अभी आपको मैं जो है चालू करके भी दिखा देता हूँ, या तो फिर क्या करके आप वीडियो डाल सकते हो, क्यूट पॉपीज करके भी आप जो है वीडियो इसमें अपलोड कर सकते हो यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। देखो अभी ये वीडियो यहाँ पर चालू हो गया है, इस तरह की वीडियो है और यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री टू यूज़। नीचे जैसे ही जाएंगे तो आपको इसके रिलेटेड दूसरे भी वीडियो जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपको अनलिमिटेड जो है कंटेंट भी मिल जाएगा अपने वीडियो के लिए। तो यहाँ से आपको क्या करना है, वीडियो उठा के आपको यूट्यूब शॉर्ट्स में अपलोड करना है, या तो एक ही साथ में 10 12 15 वीडियो जो है यहाँ से डाउनलोड करने हैं, उसको मर्ज करके कोई अच्छा सा साउंड आपको ऐड करना है और सॉन्ग ऐड करके आपको क्या है यूट्यूब के अंदर वीडियो आपको अपलोड कर देना है। जैसे जैसे आपकी जो है व्यूज़ बढ़ते जाएंगे, चैनल आपकी ग्रो होते जाएगी, ऐसे ऐसे आपकी एफिलिएट इनकम जो है वो भी इसमें बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो अभी फिलहाल अगर मान लो कि आप दूसरे किसी नीच के रिलेटेड आप काम कर रहे हो, यानी कि हेल्थ एंड फिटनेस की अगर मैं बात करूँ, तो अभी हम यहाँ पे फिलहाल क्या लिख देते हैं कंटेंट लेने के लिए, यहाँ पे लिख देते हैं फिटनेस, ठीक है। फिटनेस के ऊपर अभी मैंने क्लिक किया, यहाँ पे सर्च किया, देखो फिटनेस के रिलेटेड यहाँ पे काफ़ी सारे वीडियो जो है आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे इसकी बात करूँ तो कोई भी एक रैंडम वीडियो भी मैं उठा लेता हूँ प्ले करने के लिए। तो आपको यहाँ से कंटेंट उठाना है यूट्यूब शॉर्ट्स में, या तो फिर ये जो एक साथ जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर थोड़ा लंबा वीडियो आपको बनाना है 4 या 5 मिनट का, तो यहाँ से 15-20 वीडियो जो है आपको डाउनलोड करके एक साथ ज्वाइन करना है, अच्छा सा कोई म्यूज़िक ऐड करके आपको यूट्यूब के अंदर अपलोड कर देना है, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है कि म्यूज़िक कैसे कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक आप जो है ढूंढ पाएंगे, तो आपको यहाँ पे जस्ट अ मिनट यूट्यूब में जाते हैं, अभी NCS लिख देते हैं, ठीक है। NCS जैसे ही आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको नो कॉपीराइट साउंड्स का जो है आपको चैनल पूरी की पूरी मिल जाएगी। इसके अंदर जाएंगे नो कॉपीराइट साउंड्स के अंदर, वीडियोस के अंदर अभी हम फिलहाल चले जाते हैं। बराबर, तो वीडियोस के अंदर आपको काफ़ी सारे जो है वो नो कॉपीराइट म्यूजिक यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो आपको अच्छा सा म्यूजिक यहाँ से ढूंढना है जिसके ऊपर कभी कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, और वीडियोस आपको आपको कंटेंट यहाँ कहाँ से लेने हैं वो तो आपको मैंने ऑलरेडी बता ही दिया, यहाँ पे फ्री स्टॉक इमेज में से आपको जाके लेने हैं, पिक्साबे वो तो पिक्सल में से, ठीक है। और उसको कोई भी अच्छे, अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन है, मान लो कि फिल्म हो रहा है, या तो काइन मास्टर आप यूज़ करते हो, तो उसके अंदर आपको वीडियो को एडिट करके यूट्यूब के अंदर अपलोड कर देना है, डिस्क्रिप्शन बढ़िया सा लिख के उसके अंदर आपको जो है अपनी एफिलिएट लिंक भी आपको उसके अंदर पेस्ट कर देनी है, ठीक है। और इसी तरह से आपको क्या करना है, 15-20 वीडियो जो है आपको डालते रहने हैं, मतलब कि हर रोज़ या तो 2-3 दिन में एक एक वीडियो जो है आपको इसमें अपलोड करते रहना है, ठीक है। जैसे जैसे आपका वीडियो रैंकिंग में आता जाएगा, व्यूज उसके बढ़ते जाएंगे, ऐसे ऐसे आपको यूट्यूब से तो अर्निंग हो ही जाएगी, बस आपकी एफिलिएट मार्केटिंग की जो अर्निंग है वो भी यहाँ से चालू हो जाएगी, ठीक है। अगर इस वीडियो के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो, अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और मुझे पूछ सकते हैं, एज सून पॉसिबल जितना भी जल्दी हो पाएगा मेरी तरफ से रिप्लाई मिलता ही मिलता है, ठीक है। और अगर इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी करने देना, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे।